तो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। भाई आज हम भाई फिर से करेंगे पोकेमोन यूनाइट, और मैं पोकेमोन यूनाइट के एपिसोड्स। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इसे अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि भाई मेरी मम्मी ने एक्चुअली मेरा फोन निकाल लिया था, सो दैट्स वाई मैं 2-3 दिन से रेडिकल लड़का ही वीडियोस डाल रहा हूँ। चलो कोई ना भाई, अब फोन मिल चुका है तो थोड़ा बहुत पोकेमोन यूनाइट भी खेल लेंगे गाइस। और भाई मैं एक्चुअली जरूरा क्लेम करने की ठान ले चुका हूँ। आपका पोकेगेमर का वीडियो देखा था, उसने बताया था कि भाई जेरोआरा को लेने के लिए तुम्हें 32 बैटल्स जीतने पड़ेंगे, और जैसे आप लोगों को पता ही है कि 32 बैटल्स कुछ ज्यादा ही होती है, और अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं बाई 10 मिनट विच इज अ मैच, लेकिन आपको लगेगा एक एक्स्ट्रा 2 मिनट मैच ज्वाइन करने के लिए, सो ऑल अराउंड 12 मिनट, ठीक है? तो तुम्हें 12 मिनट्स लगेगा, ठीक है? 12 मिनट्स के बाद अब क्या होगा, होना चाहिए अब 12 मिनट्स के बाद आपको मिलेगा ओके सो 12 मिनट्स के बाद भाई मैं ज़्यादा कैलकुलेशंस करने वाला हूँ गाइस, लेकिन हाँ यानी जैसे आप देख सकते हो भाई मैच शुरू हो चुका है और बहुत थोड़ा बहुत लैग हो रहा है मेरे लिए एक्चुअली, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जैसे आप देख सकते हो भाई मेरा FPS काउंटर जो है वो भाई भाई क्या ही हो रहा है भाई, जीमेल सब कुछ स्टॉप हो रहा है गाइस। मुझे पता नहीं भाई एक्चुअली ये अभी तक कभी नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि यार मैं देख जैसा आप देख सकते हो भाई अब 23 FPS मिलने लग चुका है हमें, लेकिन पता नहीं यार कि क्या ही हुआ था, मुझे थोड़ा भी FPS देखने को नहीं मिला था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या ही हुआ, ठीक है? ओके सो मैं एक्चुअली अब क्या ही करने वाला हूँ गाइस। मैं आज मुझे नहीं लगता कि ये पिकाचू जो है वो इवॉल्व हो सकता है, मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रही है गाइस कि ये पिकाचू जो है वो इवॉल्व ही नहीं हो सकता। तो हम जल्दी जल्दी से इसे इलेक्ट्रो वेब मार देते हैं, ये ले भाई और ये ले थंडर, थंडर मारता हूँ तुझे, ये ले थंडर बोल्ट और थंडर शॉप सारे चीजें मार भाई, पिकाचू से खत्म कर डाल। ओके गुड, अब गाइस पिकाचू पूरी तेजी से भाई हमारे अपोनेंट के गोल की तरफ बढ़ रहा है और पिकाचू करने वाला है स्कोर, यस ओके गुड। जो पिकाचू ने आप कर लिया गाइस स्कोर, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था भाई अगर आप एक रैंडम मैच खेलेंगे 10 मिनट का, अभी अरे बाप रे ये मचैम फिर से बदला लेने के लिए आ चुका है गाइस। ओके ओके भाई ऑलमोस्ट खत्म कर दिया इस मचैम को, लेकिन मैं उससे पहले खत्म ही हो गया गाइस। लेकिन अगर हम एक अल्ट्रा खासा कैलकुलेशन करें ना, तो एक मैच के लिए भाई 32 मिनट्स होता है, 10 मिनट्स होता है, सो 12 मिनट्स को तो तुम मार्क बना लो, ठीक है? 12 मिनट्स को मार्क बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है भाई? ओके सो मैं थंडर बोल्ट मारने वाला हूँ, एकदम खतरनाक वाला थंडर। अरे बाबरे मैंने बेकार में थंडर इस्तेमाल कर दिया भाई इसके ऊपर। चलो कोई ना गाइस, मैं जल्दी जल्दी से थंडर मार देता हूँ, थंडर भी मारेंगे, थंडर बोल्स मारेंगे, सब कुछ मारेंगे। ओ वी आर इन द लीड, गुड गुड गुड। अरे बाबरे खत्म कर डाला इसे भी हमने गाइस, जल्द जल्द से भाई हमें कुछ करना पड़ेगा। मूवमेंट स्पीड अप, नाइस। हमारा पोकेमोन यूनाइट का जो मूव है वो भी अनलॉक हो चुका है भाई लोग हमारे लिए, लेकिन हाँ जैसे आप देख सकते हो भाई ये अपने आप को हील करने के लिए जा रहा है। मैं अपने आप को अरे अरे बाबरे अरे बाबरे अरे नहीं 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 यूनाइट मूव मारेंगे हम, टू 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 अरे खत्म कर दिया गाइस। भाई चलो कोई ना भाई, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, तब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि अगर मैं कुछ कोशिश कर पाऊँ ना तो बहुत कुछ हो सकता है गाइस, मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन हाँ हम जैपडोस को हराने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन अपोनेंट का तो पोकेमोन वैसे ही वहाँ है, सुनो पॉइंट ना जैपडोस को हराने की कोशिश। अरे बाबरे भाई गंदा वाला लैग हुआ भाई साहब, अब भाई मुझे पता नहीं कि इतना लैग क्यों हो रहा है, क्योंकि यार मुझे सच में नहीं पता कि लैग क्यों हो रहा है, क्योंकि यार मैं 2-3 एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ तब तो लैग नहीं हुआ था, लेकिन अब पता नहीं क्यों लैग हो रहा है। लेकिन हाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को अचीव करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को अचीव करने के लिए अरे बाबरे भाई ये लोग तो ख़त्म कर डालेंगे भाई हम लोगों को, थंडर भाई थंडर, अरे बाबरे नो नो अरे नहीं यार भाई 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 भाई, भाई। चलो कोई ना गाइस, हमारे पास अभी मौका बहुत सारे हैं, हमें जल्दी जल्दी से भाई उसकी मदद करने जाने पड़ेगा, लेकिन यार ये क्या हो गया भाई? ओके
अरे भाई ये क्या ग्लिच विच हो गया गाइस हमारे लिए भाई, गंदा वाला ग्लिच है यार, क्या ही मैं बोलूंगा इस आप लोगों को। ओके बॉयज, थंडर बोल्ट, थंडर सारे चीजें अनलीश कर दो भाई। और अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, नो नो, यूनाइट मूव थंडर, यूनाइट मूव थंडर, यूनाइट मूव थंडर, यूनाइट मूव थंडर, कुछ भी नहीं हो रहा गाइस। ओके इसने अब हमें भी हरा दिया भाई लोग, अब तो भाई कुछ करना ही पड़ेगा गाइस, वरना हम गाइस हारने वाले हैं भाई। मैं भाई पूरी तेजी से भाई चार्जार्ड को बचाने के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चार्जार्ड को बचाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे थंडर, अरे बाप रे यार, मैं जब पहले थंडर मारने से पहले गाइस मुझे इसने खत्म कर दिया भाई लोग। गाइस हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड बचे हैं, देखते हैं कि गाइस हम 30 सेकंड में क्या ही अचीव कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से सुपर जंप, जल्दी जल्दी से उस कोने में जंप मारेंगे, हमें पूरी तेजी से गाइस एक पोकेमोन को हराना है और डालना है। ओ नो भाई, ओ नो गाइस, ओके 9 पोकेबॉल्स, 11, और हमने लास्ट मिनट में एक गोल स्कोर कर दिया है, क्या हम एक और गोल स्कोर कर पाएंगे? और भाई गाइस 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 हो चुका है गाइस, मैच जो हो चुका है वो खत्म हो चुका है, तो देखते हैं कि कौन ही जीता। और हम जीत गए 72 पॉइंट्स, गुड। तो अब हमें और भी ज़्यादा बैटल्स करने पड़ेंगे जेरोरा को हासिल करने के लिए, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही कि जेरोरा एक एक्चुअली बहुत ही स्पीडी पोकेमोन है इस गेम में, लेकिन लुकारियो जो एक ऑलराउंडर है, वो मैंने ही सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किया क्या? ओके गुड मैन, मुझे लगा किसी और ने ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए होंगे, लेकिन यार चलो कोई ना भाई, अगर हम फर्स्ट हैं तो फर्स्ट रहेंगे, ठीक है। अगर तुम लास्ट हो, ये मत सोचना कि तुम हमेशा लास्ट ही रहोगे, ठीक है। तो भाई हम सारे चीजें यहाँ क्लेम कर लेते हैं जो भी आए हैं नए नए चीजें, जैसे आप देख सकते हो भाई मैं सारी चीजें क्लेम कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे अब क्या ही क्लेम करना पड़ेगा। ओके मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने वाला था गलती से, चलो कोई ना भाई। तो भाई अब मैं वही जैसा देख सकते भाई मैं लेवल 8 हूँ, और मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा होगा, लेकिन यार फ्रेंड रिक्वेस्ट आए हैं तो हम जल्दी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं गुरुजी स्पार्की का। ओके भाई अच्छे खासे फ्रेंड्स बन चुके हैं भाई हमारे लिए, अब देखते हैं कि क्या अगर कोई हमें इनवाइट करेगा कि नहीं, अगर इनवाइट कर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया तो भी ठीक ठाक ही होगा। रीच ट्रेनर लेवल 9, ओके पार्टिसिपेट इन 1 रैंक्ड मैच, अरे भाई 1 रैंक मैच, एक्चुअली नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट भाई मैं एक्चुअली रैंक मैच अनलॉक कर चुका हूँ मुझे लगता है, और यहाँ क्या होंगे? अरे नहीं यार गलती से भाई मैं अपने ईमेल आईडी दिखाने वाला था आप लोगों को। ओके स्टैंडर्ड इनविटेशन ऑन अ टीम, इनविटेशन रिक्वेस्ट टू ज्वाइन टीम भेज देते हैं, हम गुरुजी स्पार्की के टीम के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या वो हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, और मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करने वाले हैं हमें, सो श्योर मैन वाई नॉट। चलो कोई ना गाइस, मैं फिर से गाइस एक अच्छा खासा भाई 4v4 फिर से करते हैं, और कोई भी इनवाइट टू टीम करेंगे हम गुरुजी स्पार्की को, और अगर रैंक नहीं चाहिए भाई, रैंक नहीं चाहिए, और मुझे लगता है भाई कि कोई नहीं आने वाला भाई, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके MER स्टेडियम है गाइस ये, ओके मैच मेकिंग हो चुका गाइस सक्सेसफुल, लेकिन यार गाइज मेरे पास एक्चुअली अब 9400 के आसपास ईरो कॉइन्स है, और इस ईरो कॉइन्स के साथ मैं बहुत सारे पोकेमोन को भी इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन भाई किसी ने पिकाचू को चुन लिया गाइज, तो हम गेंगार को चुनते हैं, ठीक है। ये लो भाई गेंगार को चुन लिया, कंफर्म बैटल प्रेपरेशन एडिट, अरे भाई जल्दी आ जाना, गए भाई लैग 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 भाई, अब लैग क्यों हो रहा यार तू? OMG बॉयज, ये क्या भाई, ये फ्री स्क्रीन फ्रीज है, ये लैग नहीं है, फुल स्क्रीन फ्रीज है गाइस, ये पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। ओके ये क्या ही हो रहा है गाइस, अरे भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है गाइस, पूरा स्क्रीन जो है ना गाइस वो फुल कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका है भाई लोग, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बाहर आना ही पड़ेगा।
अरे भाई मैं बाहर आने भी नहीं सकता यार, क्या ही हो रहा है गाइस, इतना ज्यादा लैग। अरे भाई 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 गजब बेदती भाई। ओके हम फिर से पोकेमोन यूनाइट खोलते हैं भाई लोग, और देखते हैं कि क्या ही होता है गाइस। ठीक है ओके, सो मैंने फिर से गाइस पोकेमोन यूनाइट खोल लिया। तो चलो यार बिना किसी देर के साथ सीधा मैच के अंदर बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो भाई यहाँ मुझे दिखा रहा है भाई रिकनेक्टिंग टू सर्वर, तो देखते हैं कि क्या मैं ये रिकनेक्ट कर पाता है। और इसने हमें एक्चुअली रिकनेक्ट कर दिया गाइस, जो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जाइए मेरा जो इंटरनेट है वो एक्चुअली ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन पता नहीं कि यहाँ क्यों बोल रहा है कि मेरा इंटरनेट उतना ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चलो कोई ना गाइस, हमारा भाई फुल हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इंतज़ार करते भाई वो फुल होने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को अभी एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है। सो एक बंदा था, ठीक है, उसके पास था पिकाचू और मेरे पास था लुकारियो, ठीक है। उसने हमें पिकाचू के साथ वर्ल्ड टैकल वाला जैसा खतरनाक वाला मुंह मारा, और एक यूनाइट मुंह मारा, और पिकाचू का यूनाइट मुंह जो है ना वो एक्स शेप में निकलता है, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है दिखने के लिए। अब मुझे समझ आया भाई कि ये क्या ही सी चीज है। तो अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को क्या जरूरा कैसे लेते हैं, मैं वो भी आपको बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन यार अब जो ग्लिच हुआ आप लोगों को पता नहीं कि दिखा कि नहीं, लेकिन जो मेरा काउंटर था वो फुल हुआ लेकिन फिर से वापस बन चुका है, जो बिल्कुल अजीब बात है गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्मली, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ओके सो भाई हमारा काउंटर ऑलमोस्ट गाइस फुल हो चुका है भाई, ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा मुझे लगता है। चलो कोई ना गाइस, लेकिन हाँ भाई एक्चुअली यस्टरडे भाई एश गेमिंग 19 और एसपी गेमिंग ने मुझे इनवाइट किया था एक मैच के लिए यार, लेकिन यार मैं वो ज्वाइन ही नहीं कर पाया 4:30 को। लेकिन आज तो 4:30 को मैं ज्वाइन कर भी नहीं पाऊंगा अगर मैं चाहता हूँ तब भी, ठीक है। चलो कोई ना गाइस, अगर मैं ऑनलाइन हूँ तो आप लोगों मुझे इनवाइट कर सकते हो भाई, फुल राइट है आपको मेरे इनवाइट करने के बाद। लेकिन यार मुझे और फ्रेंड्स चाहिए, और लाइक मैक्सिमम फ्रेंड लिमिट है गाइस 200, तो मुझे चाहिए भाई 200, ठीक है। और अगर 200 हुए तो बहुत सारे दोस्तों ऑनलाइन भी होंगे, बहुत सारे लोगों मुझे इनविटेशन भी भेजने लगेंगे। लेकिन 200 के लिए भाई हमारे पास उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, और भाई यार कुछ ज़्यादा ही टाइम मुझे हो चुका है लगता है भाई, क्योंकि यार 1:08 को शुरू होता ये जो लोडिंग का प्रोसेस था, और 1:11 हो चुका है तो अभी तक भाई जैसा आप देख सकते हो भाई मेरा जो काउंटर है फुल नहीं हुआ है। ये तो भाई, अरे भाई ये क्या हुआ, 1 मिनट बचा है भाई, फुल गंदा बात भाई, भाई 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 खत्म भाई। नहीं यार वेट, हुआ क्या ही हुआ गाइस, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मतलब कुछ भी लाइक लिटरली भाई मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये बोल रहे हैं कि लूजर, व्हाट इज हैपनिंग भाई, क्या ही हो रहा है, व्हाट इन द वर्ल्ड जस्ट हैपेंड जस्ट नाउ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। चलो कोई ना गाइस भाई, मुझे अब गुस्सा आने लगा भाई, लाइक लिटरली भाई मैं एक्चुअली थोड़ी देर के लिए लॉग आउट हो गया था, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है लॉग आउट होना। लेकिन यार मैं क्या ही करूँ, आप लोगों मुझसे बोलो भाई मैं क्या ही करूँ। लेकिन हम नीचे जाने वाला, और ये मुझे कोई यूनाइट स्क्वाड का ऑप्शन दिख रहा है, मुझे पता नहीं कि ये क्या करता है, लेकिन हाँ आई होप अच्छे ही चीज़ें करता होगा ये, क्योंकि अगर ये अच्छा चीज़ नहीं कर रहा है तो मुझे बुरा लगने वाला है। ग्राफिक क्वालिटी लो, ओके फाइन, फ्रेम रेट लो, यस सर, हाँ डिस्प्ले टेक्स्ट चैट ऑन, वाओ क्या ही ऑप्शन है। ओके एडवांस कंट्रोल, अच्छा भाई बैटल इनफो, शो मी ट्रेनर, ऑडियो फुल, यस यस ऑडियो को फुल रख देंगे, ऑनलाइन स्टेटस, हाइड लॉबी आईडी, अकाउंट सेटिंग्स, चूज एन अकाउंट टू लिंक, मेरे पास तो कोई अकाउंट नहीं है, हाई क्वालिटी डेटा, व्हाट इज हैपनिंग गाइस, डिस्प्ले वॉइस चैट सेटिंग, ओके ओके मुझे सब कुछ ठीक ठाक समझ नहीं आ रहा, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ें समझ आ गया, जिस वॉल कर देते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। फ्रेंड नोटिफिकेशन है, एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, करण पी के ए, ओके गुड, मार्क ऑल रेड, और
मार को ऑलराइड कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई मेल ना बचे रीड करने के लिए, और मैं जाता हूँ स्पेक्टेट पर, देखते हैं कि क्या होता है। ओके सो गाइस मैं, ओ वाओ कुछ हो रहा है गाइस, इंटरेस्टिंग गाइस इंटरेस्टिंग। लेकिन यार थोड़े दोस्तों की कमी है यार मुझे, मुझे भाई बहुत सारे दोस्तों चाहिए यार इस गेम में, ठीक है, ताकि लोग मुझे इन्विटेशन भेज सके, हम मस्ती कर सके साथ में। और भाई देखते हैं कि अगर कोई ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन 2 मिनट लगा। ये तो एक ये रैंक गेम है, पता नहीं इसमें क्या होता है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। लेकिन हाँ गाइस आज के एपिसोड के लिए ना, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो के ऊपर लाइक जरूर मार देना, क्योंकि यार मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को अगर मजा आया तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि अगर क्या मुझे ये गेम कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मस्ती करनी है इन द नियर फ्यूचर। तो हाँ गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे ये भी बताना कि मुझे कौन सा पोकेमॉन खरीदना चाहिए, ठीक है। Okay then, bye. Watching. With